ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये वीडियोस जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सो कृपया गर्ल्स ना देखें। अगर दिखानी है तो अपने भाई लोगों को दिखाओ, अपने भाई भतीजों को, जो भी आपके घर में मेल बंदा है उसको दिखा सकते हो, यानी कि जो यंग एज का है। तो भैया देखो, कभी कभी क्या होता है ना, लोग रिलेशनशिप में होते हैं, और रिलेशनशिप में होते हैं तो क्या होता है कि जैसे प्लान बनाते हैं वो मिलने का, लड़की बुलाती है भाई आ जाओ बाबू मिलते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। अब लड़के बाबू जी क्या करते हैं, चले जाते हैं मिलने, प्राइवेट जगह पे जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, घर पे जाके मिलने लगते हैं चोरी चुपके से, फिल्मी सीन दिखाते हैं, फिल्मी सीन होता है ना बॉलीवुड को देख। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, पागल तो है हमारा इंडिया, तो वो भरा पड़ा है माइंड में, तो उसको देख के फिल्मी सीन करते हैं कि भी घर पे आएंगे मिलने, और फिर रही सही कसर जो सॉन्ग्स होते हैं पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं और ये सब पूरी कर देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो क्या होता है, चले जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर पिटते हैं। दिक्कत ये नहीं है पिटते हैं, दिक्कत ये कि लड़के ही पिटते हैं। अब मान लो बुलाई तो लड़की ने भी थी, उसने भी तो बोला था ना बाबू आ जाओ मिलने, ये सब करेंगे, और मतलब मर्जी उसकी होगी तभी तो लड़का गया होगा ना। अब लड़के के घर वाले क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, पिटता कौन है, लड़का। तू झूठ ना बोला, कल्ली कल्ली रिकॉर्डिंग काट के नाल पांतरी भाई ने कट ले किसी ने ते किने कटया, तो भाई दो वाले कटने होल दे दो नहीं, एक चिट्टा मोबाइल सैमसंग दा फड़ाउना आया जीड़ा मोबाइल है की लगदा की है, तू पहले मुझे दस। यानी कि सारा कसूर उस पर डाल देते हैं कि पुरुष प्रधान सोसाइटी है, पैट्रियार्कल, कि भी करने वाला वो है तो वही है, लड़की की जैसे कोई कुछ नहीं, मतलब उसने कुछ करा ही ना हो। और आपको बता दें बिना कंसेंट के कुछ होता भी नहीं है भाई, मतलब बिना कंसेंट के आप किसी को टच भी नहीं कर सकते। वो कहावत है ना कि भाई जैसे कि उसने भी हाँ करा होगा तभी जिसमें के कपड़े उतरे होंगे, अदरवाइज तुम किसी से हाथ टच करके दिखा दो। तो अब इसके कॉज इफेक्ट क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। देखो पहली बात, अगर लड़की 18 साल से छोटी है मान के चलो, और तुम्हारा रिलेशनशिप है, भले ही वो बुलाए, मतलब भले ही वो खुद बुलाए, कि होता ना भाई जैसे हम सोचते हैं कि यार कोर्ट तो बोलेगा कि उसकी मर्जी थी ये थी, तो यार देखो 18 साल से अगर कोई लड़की नीचे है ना, तो उसकी मर्जी हो या ना हो, अगर वो खुद बोल रही है ना कि भाई मैंने बुलाया था, ये मैंने बुलाया था कि राहुल भाग गया राजीव चौक से और डाल दे, तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों, पोक्सो एक्ट में ना, मतलब 18 साल से नीचे सब चाइल्ड होते हैं एज पर पोक्सो एक्ट, तो 18 साल से नीचे सब चाइल्ड होते हैं, वो कंसेंट दे ना दे उनका कोई लेना देना है ही नहीं। कोर्ट में वो खुद कहेगी ना कि ऐसे नहीं सब मैंने करा था, तो कोर्ट कंसीडर ही नहीं करेगा, क्यों, 18 साल से नीचे है वो, उनको बहकाया जा सकता है ये सब। एक तो केस ही हो गया, तो इस चीज़ का क्या है भैया, अगर 18 साल से नीचे है ना तुम्हारी बंदी बुंदी, तो उससे दूर रहो, उसके लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, के पास कभी ना जाओ, भले ही वो कितना ही चिल्ला चिल्ला के मर जाए तो मत जाओ। कभी कभी क्या होता है ना कि लुक्स में देखने में ऐसे लगते हैं कि यार 18 साल से तो अबव है, पर होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 18 साल से नीचे होते हैं, देखने में बेशक बड़े लगते हो, तो कभी ये सब उनके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, दिक्कत होगी। अब इसका कॉज इफेक्ट क्या है, यार देखो कॉज इफेक्ट क्या है, मान लो पकड़ गए तो केस चलेगा, ठीक है, केस चलेगा, अरेस्ट हो गए, बेल करानी पड़ेगी, ट्रायल चलेगा, घर वाले परेशान होंगे, फिर घर वाले होते ना भाई आ रहे हैं तुमसे जेल में मिलने आ रहे हैं, पूरी लाइफ खराब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एक मुलाकात करने के चक्कर में, मतलब तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती है। हालांकि उसके घर वाले अगर अच्छे हुए तो अलग बात है, अगर मान के चलो पकड़े जाते हो या कुछ भी होता है तो दिक्कत आपको होती, यूथ को, मतलब तुम्हें होगी। अब वैसे भी तुम होंगे ना कॉलेज स्टूडेंट होंगे या स्कूल में होंगे, तो सारी लाइफ खराब। लड़की का क्या है, उसके उसके घर वाले कुछ टाइम वहाँ रह के कहीं और रह लेंगे किराए पे, उसको भेज देंगे कहीं शादी वादी कराई देंगे, लेकिन लड़कों को होती है दिक्कत। और गाँव वाँव में तो क्या होता है, समझौता करते हैं, यानी कि केस कर देंगे 15 लाख दे दे, केस वापस ले लेंगे 20 लाख दे दे, इतने में समझौता कर ले, मतलब टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब उड़ता हुआ था, लेना ही क्यों तुम्हें, तो दूर रहो। कभी भी कोई बुलाए ना तो पहले तो यार एज चेक कर लिया करो, रिलेशनशिप में जाने से पहले एज चेक कर लिया करो। आज से 4 साल पहले भी बनाई थी वीडियो, पर पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती, शायद अब आ जाए। दूसरा केस है अगर 18 साल से अबव है, उसमें भी क्या होता है कि लड़की को, मतलब लड़की बुलाती है और लड़का चला जाता है, फिर पकड़े जाते हैं ना मान के चलो, तो लड़का पिटता है। बहुत सारी वीडियोज देखिए, अभी हम इसमें लगा देंगे, आप देखते रहना। तो इतनी बुरी तरीके से पिटते हैं यार, क्या होता है, यानी कि सारा कसूर लड़कों का डाल देते हैं कि भाई ये आया है तो इसने करा है, अपनी इनकी लड़कियों की कोई वो नहीं होती कि भाई उसने भी तो बुलाया होगा तभी तो आया है, ऐसे कैसे कोई आ जाएगा। तो इसका भी कॉज इफेक्ट ये है कि ट्रायल चलता है, केस चलता है, अरेस्ट होते हैं, फिर बेल पे आते हैं, फिर दिक्कत तुम्हें होती है, यानी कि तुम्हारा करियर वरियर सब खराब, यानी कि सब खत्म। तभी तो बोलता हूँ सालों की डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल। अब इसकी हिंदी में कैसे बताऊँ यार तुम्हें, कैसे बताऊँ, समझो बस, यानी कि अपने गोल के चक्कर में होल के चक्कर में गोल ना खोलो, ना खो, डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल, ओके। और कॉज इफेक्ट तुम्हारी दिक्कत है यार, तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती होती है, पिटते तुम हो, सब कुछ, मतलब लड़कों को झेलना पड़ता है। तो भैया ये सब ना करो, कृपया ऐसी संगति से दूर रहो, और अगर तुम्हें ज़्यादा चुल्ल मच रही है तो कहीं प्राइवेट प्लेस पे जाओ, यानी कि घर वाली ये फिल्मी सीन मत अपनाओ। अगर तुम्हें ज़्यादा चुल्ल है ना मिलने की पार्टनर से या जो भी है, तो कहीं
प्राइवेट प्लेस, जैसे कि आजकल है ना बहुत सारे होटल्स हैं जो आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी सेफ रखते हैं, वहाँ जाओ ताकि वहाँ कल को आप दिक्कत ना हो, किसी अथॉरिटीज़ का आप सहारा तो ले सको। अब तुम जा रहे हो बाबूजी घर मिलने, फिर वहाँ हो रही है दिक्कत, बहुत खबर आती है यार, मैं डेली पढ़ता हूँ ना, तो बस क्या होता है, फिरता लड़का ये बांध के पीट रहे हैं बेचारे को, अपनी लड़की इनकी सभी सावित्री रहती है जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। सो ध्यान रखो गाइस, और ये सब ना करो, एक बार और बोलेंगे, डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल मैन। ओके बाय।